नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। लालू बोले, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से राजद का गठबंधन, तेज प्रताप के लिए कहा रास्ते पर लाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, वीर सावरकर और सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे नए कॉलेज के नाम। धोखाधड़ी मामले में किरण गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज, 3 लोगों को नौकरी का दिया था झांसा। मंदिर में तोड़फोड़ और एबीवीपी नेता पर हमला, लक्ष्मीपुर और कैलाश शहर में धारा 144 लागू। आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा, अपने घर मन्नत पहुंचे आर्यन खान। यूपी सरकार का वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, हरित पटाखों को अनुमति। यूपी में नई यूनिक आईडी से पहचानी जाएगी गोमाता, 2 करोड़ गायों में लगेगी माइक्रोचिप, ऑनलाइन होगी निगरानी। रेल राजस्व में सेंधमारी की सूचना पर विजिलेंस ने खंगाला पार्सल, वाराणसी में टीम की धमक से रेल कर्मियों में बेचैनी। बदायूं में रिटायर्ड सूबेदार के घर में 40 लाख की चोरी, पत्नी का अंतिम संस्कार करने गया था गांव। लखनऊ में सस्ती सब्जी बेचेगा नगर निगम, सभी जोनल अधिकारी करेंगे निगरानी। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर को मंजूरी, एफडीए की मिली मंजूरी। अमेरिका ने कहा ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को लेकर जताई चिंता। सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर आलोचना करना, पूर्व मेजर जनरल के बेटे को पड़ा भारी, हुई जेल। ट्रेडॉस का दूसरी बार डब्ल्यूएचओ महानिदेशक बनना तय, 28 देशों की मिली समर्थन। मुश्किलों में इमरान खान, टीएलपी के साथ नहीं बनी सरकार की बात, इस्लामाबाद मार्च जारी। विराट कोहली से भी तेज निकले बाबर आजम, टी20 में बतौर कप्तान बना डाला बड़ा रिकॉर्ड। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान मचा हंगामा, अफगान समर्थकों ने स्टेडियम के अंदर बाहर जमकर काटा बवाल। पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता मुकाबला, अफगानिस्तान की 2 मैच में हार। रोमांचक मुकाबले में डब्ल्यूआई ने बैन को 3 रनों से हराया, सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुआ बांग्लादेश। वार्नर नहीं बन पाए रोनाल्डो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतल हटाई, आईसीसी ने कहने पर वापस रखनी पड़ी। आर्यन खान की जमानत पर खुश हुए शाहरुख खान, बेटे के स्वागत में मन्नत को बनाया दुल्हन। साउथ एक्टर पुनीत राजकुमार के निधन के बाद बड़ा फैसला, बेंगलुरु में बैन हुई शराब, नहीं खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। निमकी मुखिया के तीतर सिंह पटना में गिरफ्तार, पहली पत्नी के रहते दूसरी युवती से रचाई थी शादी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब ओटीटी पर नहीं करेंगे कोई शो, बोले बन गए हैं डंपिंग ग्राउंड।
पुनीत के निधन से सदमे में फैंस, एक ने की आत्महत्या, दो की हार्ट अटैक से मौत। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।